हेलो स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर सागर मोहिते। आज हम आईडॉल यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के बारे में अपडेट्स आए वो हम देखेंगे। जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो है दिसंबर जनवरी पैटर्न का जो एडमिशन चालू है वो एडमिशन का डेट एक्सटेंड हो गया है। ये देखो यहाँ पर एक्सटेंडेड डेट एक्चुअली आ गया है, ये सर्कुलर है। अभी ये डेट एक्सटेंड होकर 30th मार्च तक एक्चुअली डेट एक्सटेंड हो गया है। ओके, देखिए उसमें बी कॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जो बैफ है उस वो जो नो न्यू कोर्स एक्चुअली करंट ईयर से एक्चुअली चालू हुआ है उसका भी डेट एक्सटेंड हो गया है। एस वाई बी ए बी कॉम थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए एम ए पार्ट वन जियोग्राफी जो नया सब्जेक्ट एक्चुअली चालू हुआ है उसका भी एडमिशन चालू है। एम ए पार्ट वन में आप सब्जेक्ट देखेंगे तो हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश, ये सब्जेक्ट को आप एडमिशन ले सकते हो एम ए पार्ट वन के लिए। और एम कॉम के लिए अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट, ये दो ग्रुप है एक्चुअली, दो सब्जेक्ट है तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। एम ए एजुकेशन भी है। ओके, इसका सबका एडमिशन एक्चुअली 30th मार्च तक एक्चुअली एक्सटेंड हो गया है। एम ए पार्ट टू का भी एडमिशन एक्चुअली चालू है, एम कॉम पार्ट टू का भी एडमिशन चालू है। ओके, एम ए पार्ट वन में जो आपने एडमिशन लिया हुआ होगा वो वही सेम सब्जेक्ट को आप एडमिशन ले सकते हैं एम ए पार्ट टू को। ओके, मतलब सेमिस्टर थर्ड और फोर्थ को। और जो ईयरली पैटर्न के जो स्टूडेंट है तो वो भी एडमिशन ले सकते हैं एक्चुअली टी वाई बी ए बी कॉम और एम ए पार्ट टू के लिए। ओके, और सबका डेट एक्चुअली 30th मार्च तक एक्चुअली एक्सटेंड हो गया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है जिनको एडमिशन फर्स्ट ईयर को लेने का एफ वाई और एम ए पार्ट वन एम कॉम पार्ट वन, तो उनके लिए एक्चुअली न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है पहले। तो अब यहाँ पर आप क्लिक करके, ये वेबसाइट है यूनिवर्सिटी का एडमिशन के लिए। ओके, तो यहाँ पर क्लिक करके आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करके आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके। ओके, नहीं तो कभी आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करके सेकंड ईयर का यहाँ पर 16 डिजिट आपको पीआरएन नंबर डालकर प्रोसीड करना पड़ेगा। ओके, और आप एडमिशन ले सकते हो। ओके, यहाँ पर आप 16 डिजिट जो पीआरएन नंबर है वो डाल सकते हो, नहीं तो आप जो D21FQ जो आपको यूज़र नेम मिला है वो भी डाल देंगे तो भी चलेगा। यूज़र नेम और पीआरएन नंबर कोई भी एक चलेगा, यहाँ पर वो डाल के आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। प्रोसीड करने के बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका पासवर्ड रहेगा। ओके, यूनिवर्सिटी ने ये पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ है वो पासवर्ड एक्चुअली सेट कर दिया है, तो आपको YYMMDD फॉर्मेट में आपको पासवर्ड डालने का है। तो समझो आपका डेट ऑफ बर्थ 4th नवंबर 1979 है, तो आपका जो पासवर्ड है वो YY मतलब 79, MM मतलब 11, नवंबर है इसके वजह से 11 11, और 4th नवंबर है मतलब DD के जगह पर 04 आएगा। तो इस तरह से आपका ये पासवर्ड हो जाएगा 791104, ये आपका पासवर्ड हो जाएगा। ओके, उसके बाद में आप एडमिशन कर सकते हो। ओके, और एक बात यहाँ पर देखिए कि ये जो एडमिशन का जो सर्कुलर निकला है तो उसमें एक्चुअली नीचे और भी दिया हुआ है कुछ, एक्चुअली स्टूडेंट का अभी तक रिजल्ट नहीं लगा है। तो रिजल्ट लगने के बाद एक्चुअली और एक एक्चुअली डेट एक्सटेंड हो सकता है, यहाँ पर एक्चुअली लिखा हुआ है। देखो, रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द जनवरी दिसंबर 2021 सेशन इज नॉट एट डिक्लेयर, सो देर विल बी अनदर राउंड ऑफ एडमिशन विल बी अनाउंस आफ्टर द रिजल्ट आर डिक्लेयर फॉर द सेट एग्जामिनेशन। ओके, तो एक्चुअली और एक राउंड एक्चुअली हो सकता है एक्चुअली एग्जामिनेशन का, लेकिन अब तक तो डेट एक्चुअली 30th मार्च है, तो उसके आपका कभी डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी है तो आप एडमिशन ले लो। ओके, जो रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनको भी एडमिशन लेने के लिए आपका उनका फीस एक्चुअली कम रहता है, तो उनके लिए एक्चुअली वो कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, उन सब की एक्चुअली ज़रूरत पड़ती है। तो वो डॉक्यूमेंट एक्चुअली अवेलेबल होंगे आपके पास, तो वो एक्चुअली अपलोड करके आप एडमिशन ले सकते हो। ओके, तो इस प्रकार से ये एक नोटिस एक्चुअली इशू किया है और एक यूनिवर्सिटी ने कि जो सेकंड ईयर को एडमिशन लेने का है जिनको सेकंड ईयर और थर्ड ईयर को, तो इनके लिए एक्चुअली ये लिखा हुआ है एक्चुअली, यहाँ पर ये वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ पर 16 डिजिट पीआरएन नंबर डाल को आपको रजिस्ट्रेशन करने का है, और रजिस्ट्रेशन है आपको डायरेक्ट एडमिशन लेने का है। ओके, तो इस प्रकार से एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। कभी आप कभी पासवर्ड कभी भूल गए, मतलब DD MM YY YY MM DD के फॉर्मेट में आपका पासवर्ड नहीं हो रहा है एक्चुअली, मैच नहीं हो रहा है, तो आप फॉरगेट पासवर्ड यूटिलिटी यूज़ करके आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। ओके, और फर्स्ट ईयर के लिए ये एक्चुअली लिंक दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर एडमिशन के लिए जाने के लिए ये देखो आईडॉल यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का ये वेबसाइट है, मतलब ये मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करने का है। देखो डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग यहाँ पर दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्लिक करने का तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी।
यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखो क्लिक हियर फॉर द आइडल एडमिशन पे क्लिक कर दो तो ये टैब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर दिसंबर पैटर्न के एडमिशन जो नए वाले स्टूडेंट है तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करके एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ पर रजिस्टर करके ओके। और जो ओल्ड वाले स्टूडेंट है सेकंड ईयर को जिनको एडमिशन लेने का, तो वो यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं पीआरएन नंबर डालकर ओके। तो इस प्रकार से एक्चुअली ये प्रोसेस है एक्चुअली एडमिशन के लिए ओके। और एक अपडेट एक्चुअली बता तो ऑलरेडी उस पर एक्चुअली मैंने वीडियो भी बना दिया है, एक्चुअली मॉक टेस्ट है वो अभी भी चालू है एक्चुअली ओके। तो जिन्होंने मॉक टेस्ट अभी तक दिया नहीं है, जिनकी एग्ज़ाम एक्चुअली 29 मार्च से चालू होने वाली है, तो उन्होंने कभी मॉक टेस्ट नहीं दिया रहेगा, तो आप मॉक टेस्ट दे दो। यहाँ पर यह सर्कुलर है मॉक टेस्ट का ओके। आप 28 तारीख तक मॉक टेस्ट दे सकते हो ओके, 23 तारीख से चालू हुआ है ओके। और कोई भी आपको कभी क्यूरी आ रही है मॉक टेस्ट के बारे में तो ये हेल्पलाइन नंबर है, तो इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप मॉक टेस्ट आप दे सकते हो ओके। कोई भी क्यूरी है मॉक टेस्ट, आपको यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं आया रहेगा तो भी आप वो हेल्पलाइन नंबर को कॉल करके आप वो एक्चुअली आप उनसे पूछ सकते हो, वो आपको पूरा गाइड करेंगे ओके। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विथ योर अदर फ्रेंड्स ओके। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम ओके। थैंक यू।